हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग S22 अल्ट्रा फोन के बारे में, जो कि फ्लैगशिप फोन है और यहाँ पे जो इसकी डिस्प्ले है काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के साथ में आप लोगों को मिल जाती है, जो कि आपको अंदर से जाके सेटअप करना रहता है। वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने इस फोन की जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हो। वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। फटाफट हम जो फोन की सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शंस मिलेगा डिस्प्ले का, ठीक है। डिस्प्ले के ऑप्शंस में आप लोग जाओगे तो कुछ यहाँ पे एक ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखो, अगर आप जो अपने फोन की एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को इनेबल करके रखोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा मिलेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस इस फोन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे जो आप ब्राइटनेस को कितना भी रख सकते हो। एंड इसके बाद में गाइज, यहाँ पे हमें ब्राइटनेस की बात नहीं करनी है, हमें डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करनी है। कलर मोड को भी यहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन सा आपको सेटअप करना है। चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, अब बात कर लेते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्प्ले है वो 2K में वर्क कर रही है अभी गाइज, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2K में वर्क कर रही है तो इसकी जो रेजोल्यूशन है हम कम कर देती है। देखो, यहाँ पे HD प्लस कर सकते हैं, फुल HD प्लस कर सकते हैं। यार HD प्लस करने के लिए हम जो यहाँ पे थोड़ी सी धुंधली टाइप हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे इजली अप्लाई कर देता हूँ। ओके, फाइनली यहाँ पे हमारी डिस्प्ले वो अप्लाई हो गई है, ठीक है, HD प्लस में, जो कि ठीक ठाक नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एक फायदा आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है कि आपको जो बैटरी बैकअप है बहुत ही खतरनाक मिलेगा, ठीक है। लेकिन यार आप थोड़ा सा हाई कर दोगे तो आपकी डिस्प्ले और बेहतर देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आपकी बैटरी थोड़ी सी कम चलने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप 2K में अप्लाई कर दोगे, यहाँ पे देखो 3888 1440, अगर इसमें अगर आप लोग कर देखोगे तो यहाँ पे डिस्प्ले में तो सच में काफ़ी मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बैटरी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस फोन का जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम मुझे देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी इतना भी कम नहीं है, मैं हमेशा 2K डिस्प्ले में ही यूज़ करता हूँ तो ठीक ठाक ही है, इतना ज़्यादा कम नहीं है। तो अगर आप लोग जो बैटरी से परेशान हो तो रेजोल्यूशन को कम करके यूज कर सकते हो। लेकिन यार जब आप 1 लाख प्लस करके अपना जो अमाउंट जो है पे करोगे और उसके बाद में इतना फ्लैगशिप फोन लोगे 1 लाख से ज्यादा का, तो यार कौन 2K यूज वो सॉरी कौन HD प्लस यूज करेगा, फुल HD करेगा। यार जब 2K का ऑप्शन हमें मिला हुआ तो हम क्यों करेंगे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने बस यही भी एक बात बताई कि बहुत सारे लोगों को अक्सर होता है क्या कि कहीं दूर जाते हैं जहाँ पे चार्जिंग का उनका जो है जुगाड़ नहीं होता है फोन चार्ज वगैरह करने का। तो ऐसे में जो है आप लोगों को अगर लगता है कि आपकी जो बैटरी है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगी, तो आप लोग हमेशा कर ये सकते हो कि अपने फ़ोन की रेजोल्यूशन को कम कर दीजिएगा, बैटरी पहले से बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।